इंसान अपनी ख्वाहिश, हवस, लालच, स्वार्थ और एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में फंसा हुआ एक बेबस और मजबूर प्राणी है, लेकिन वह इस भ्रम में जीता है कि उसके विचार और उसूल दूसरों से बेहतर है। आज हम इंसान की इन्हीं कुछ क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसान के पास एक ऐसा आईना है जिसमें वह अपने सिवाय सबको देख सकता है। दूसरों की कमियां और बुराइयां उसे साफ तौर पर नजर आती हैं, लेकिन अपनी खुद की कोई भी बात वह देख ही नहीं सकता। वरना रब की तरफ से यह फरमान नहीं आता कि अगर हम तुम लोगों को तुम्हारी बुराइयों की वजह से सजा देने लग जाएं, तो धरती पर एक भी बंदा चलता हुआ नजर नहीं आएगा। रब हमारी बुराइयों को इसलिए नजरअंदाज करता रहता है कि शायद वक्त रहते हम अपने आप को सुधार लें। साफ तौर पर इंसान के लिए यह निर्देश है कि काम धंधे में उसे आटे में नमक की तरह फायदा या मुनाफा कमाना चाहिए, लेकिन इंसान ठीक इसके विपरीत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। अपने माल की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करने की भी मनाही है, लेकिन इंसान है कि अपनी खुद की और अपने माल की तारीफ करते थकता नहीं। यहां तक कि शादी के वक्त भी औलाद की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करता है, जबकि इसके बनिस्बत उसे अपने रब की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इंसान इतना बखील है कि वह अपने रब की तारीफ दिल खोल कर भी नहीं कर सकता, जबकि यह सर्वविदित है कि अगर रब की तारीफ लिखने के लिए सारे समंदर शाही बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाएं, फिर भी उस महान रब की तारीफ पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इंसान किसी दूसरे की पहचान और रेस्पेक्ट उसके कारोबार और स्टेटस वगैरह को देखकर ही करता है। मसलन जब वह किसी के बारे में सुनता है कि फलां यूएसए, यूके, गल्फ या कनाडा जैसी रिच कंट्री में रहता है या वहां रहकर काम करता है, तो उसकी सोच उस इंसान के लिए बेहद ही रेस्पेक्टफुल और बेहतरीन हो जाती है। इसके मुकाबले जब वह सुनता है कि फला इंसान अपने ही गरीब देश के किसी छोटे शहर में रहता है या काम करता है, तो उसकी सोच उस इंसान के लिए इतनी रेस्पेक्टफुल और बेहतरीन नहीं हो पाती, बल्कि छोटी होकर चिमट कर रह जाती है। जबकि रब ने साफ तौर पर यह फरमाया है कि मालदारों की तो बहुत इज्जत होती है जिनके दिलों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, और उन गरीब नाबीना वगैरह की तरफ से मुंह घुमा लेते हैं जिनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत है। इससे साबित होता है कि जिसके दिल में रब की बेपनाह मोहब्बत होती है, वही शख्स रब की तरफ से सबसे ज्यादा इज्जतदार होता है। इंसान के अरमानों और लालसा की भूख की भी कोई सीमा नहीं होती है। मसलन ट्रेन में सफर करते वक्त वह हवाई जहाज के सफर की कामना करता है। छोटे घर में रहता है तो बड़ा घर चाहिए, फिर बंगला और कोठी चाहिए, और वह भी मिल जाए तो फिर महल चाहिए। वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान खुद ही इस दुनिया से चला जाता है, वरना महल के बाद भी शायद कुछ और सोचता, जैसे आजकल हमारे मोदी जी सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। मोदी जी पहले चाय बेचते थे, फिर जद्दोजहद करके किसी तरह मुख्यमंत्री बने, और आज की तारीख में वह देश के प्रधानमंत्री हैं। लाखों रुपयों के कपड़े पहनते हैं और लाखों रुपए के वियतनामी मशरूम मंगवा कर खाते हैं, महंगे ड्राई फ्रूट्स की रोटियां और सब्जियां खाते हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी छोटे छोटे राज्यों में जहां पर विपक्ष की सत्ता है, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल वगैरह,
वहां पर चुनी हुई सरकार होने के बावजूद उनकी भरकस कोशिश रहती है कि किसी तरह सत्ता पलट हो जाए और भाजपा की सरकार बन जाए। उनकी सत्ता की भूख मिट नहीं रही है। मोदी जी आज की तारीख में एक जीती जागती मिसाल है कि इंसान के पास चाहे कितना ही पैसा और पावर आ जाए, लेकिन उसकी मृग तृष्णा कभी नहीं बुझती। आज की तारीख में वह घमंड से पूरी तरह सराबोर है। इंसान उनको चीड़ी मकड़ों की तरह नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता तो वह इंसानों के दुख दर्द को समझते हुए उनके निदान के लिए कुछ करते। मुसलमानों के लिए इतने संग दिल ना होते, उनको तकलीफ पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते ताकि आइंदा कोई मुसलमानों को तकलीफ ना दे सके। लेकिन यह सब रोकने के लिए ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। घमंड बहुत ही बुरी चीज होती है और रब के करीब बेहद नापसंद है। आज से पहले जिसने भी घमंड में आकर जुल्म किए, रब ने उसे चींटी की तरह मसलकर खत्म कर दिया। रावण भी बहुत घमंडी था। रावण के बारे में एक कहावत मशहूर थी कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और रावण को उसका घमंड ले डूबा। फियोन बादशाह के पास बहुत ताकतवर फौज थी जिसकी ताकत पर उसे घमंड था और जुल्म किया करता था, लेकिन रब ने उसे पानी की सिर्फ एक मामूली लहर से उसे और उसकी पूरी फौज को गर्क करके रख दिया। नमरूद भी अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी बादशाहत लगभग पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लेकिन वह भी घमंड के नशे में चूर होकर जालिम बन गया। यहां तक कि रब से जंग करने के लिए एक बहुत ही ऊंची मीनार बनवाई ताकि आसमान के करीब पहुंचकर रब से जंग कर सके। मीनार पर चढ़कर जब वह आसमान की तरफ तीर दाग रहा था तो रब ने उसका खात्मा एक मामूली मच्छर से कर दिया, जो कि रब के हुक्म से नमरूद की नाक में घुस गया और उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। इन सब वाक्यों से रब ने दुनिया वालों को ये इबरत दी, ये सबक दिया कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन रब के लिए उसे खत्म करना बहुत ही आसान है। रब के बताए हुए मार्गदर्शन यानी गाइडेंस पर चलने में ही इंसान की कामयाबी है। इसलिए हर इंसान को घमंड करने और जुर्म करने से बचना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद।